हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन लोन। आपने सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेना है कि आप अगर कोई व्हीकल ले रहे हैं और उस व्हीकल के ऊपर आपका जैसे कि 1,80,000 रुपए का लोन है, मान लीजिए, तो आपने वो लोन उतारना है और उस लोन की जो किस्त है वो आपको देनी है 5,250 रुपए हर महीने। हर मंथली आपने ये जो है किस्त देनी है, पेमेंट है कैश के रूप में या चेक के रूप में देनी है। आपने ये कैसे उतारनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको आपको इनकम कितनी है, अपने जो आपको काम कर रहे हैं उसमें कितनी इनकम है। और आपने जैसे समझ लो आपको इनकम 6,000 रुपए की एक सोर्स से आ रही है, एक सोर्स से 6,000 की इनकम आ रही है और आपकी किस्त है 5,250 रुपए, वो इसमें से निकल जाएगी, बाकी 850 रुपए आपको प्रॉफिट है। ये एक सोर्स है। इसी के साथ आपने दूसरे सोर्स भी बनाने हैं कि आपको जो आपने गाड़ी ली है उस गाड़ी से आपने और क्या क्या काम करने हैं। आपने फ्रूट्स का काम करना है या लोडिंग का काम करना है या आपने कोई एम्प्लॉय बनना है। एम्प्लॉय की जैसे कि आपको एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलती है 10,000 रुपये और लोडिंग में आपको मिलते हैं 6,000 रुपये, और भी फ्रूट्स का या लोडिंग दूसरा काम है जो आपका खुद का काम है उसमें आपके बनते हैं 5,000 रुपये। और आपने ये सब चीज़ें मिला करके इसका एक एक ईयर का 1 ईयर का देखना है कि आपने इसमें से कितना प्रॉफिट किया और कितना आपको लॉस हुआ। जैसे कि आपकी ये लोन की कीमत 1,80,000 रुपये है और इसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलाकर आपको इसका देना है 2,52,000। अगर आप इस पे 10% का इंटरेस्ट लगाते हैं सालाना, तो इसकी आपको 47 किस्तें भरनी पड़ेंगी। इसकी पेमेंट, मेन पेमेंट आप किया 2,52,000, 2,52,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा 47 किस्तों के अंदर। उसकी 5,250 रुपये किस्त है। और आपने ये देखना है कि ये 4 साल का जो लोन है, इस 4 साल के लोन के भीतर में आपने कितना कमाया। अगर ये आप सभी मिला करके अगर आप 4 लाख रुपए 1 साल में कमाते हैं और आप 4 साल में ये 4 लाख रुपए कमाते हैं और इसका आप किस्त उतार के 2,50,000 उतार देते हैं और आपको बाकी की जितनी रकम बचती है, यानी कि 1,48,000 रुपए 4 साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 4 इयर्स, ये आपका प्रॉफिट है। ये सब चीजें आपको देख करके सबसे पहले पूरा हिसाब बना करके आपको ये लोन लेना है, नहीं तो नहीं लेना। अगर आप एम्प्लॉय भी बन सकते तब भी आपको कोई फायदा नहीं है, लोडिंग का काम नहीं कर सकते तब भी आपको कोई फायदा नहीं है, अगर आप कोई फ्रूट वगैरह के और काम नहीं कर सकते तब भी आपको फायदा नहीं है। अगर आप अकेले और अकेले इस 6,000 की एक जो आपको फिक्स इनकम आ रही है, अगर इसके सहारे आप बैठेंगे तो आपका ये करना बेकार है। आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, दूसरा काम पकड़ लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।